next phylum, it is the phylum Echinodermata. फाइलम इकाइनोडर्मेटा, और इसके लिए हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं दे आर द स्पाइनी बॉडीड एनिमल्स। आप लोग देख भी रहे हो पिक्चर के अंदर, जो ये पिक्चर है सेकंड वन वाला, ठीक है, दिस वन, ये स्पाइनी बॉडीड है, पूरे बॉडी के ऊपर स्पाइन प्रेजेंट है। इवन आप लोग स्टार फिश देख रहे हो, दिस इज द स्टार फिश, इसके बॉडी के ऊपर भी आप लोग ढेर सारे आउटग्रोथ देख रहे हो। तो स्पाइनी बॉडीड एनिमल्स, बॉडी के पास स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं इनके, दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर्ड एज अ स्पाइनी बॉडीड एनिमल्स। तो अब ये जो पिक्चर है क्या है, दिस वन, इट इज द स्टार फिश। जेली फिश को भी हम लोगों ने गलत नेम दिया था, वो फिश नहीं है, स्टार फिश ये भी फिश नहीं है, ठीक है। फिशेज दे आर द कॉर्डेट्स, ठीक है, ध्यान रखो, फिशेज को हम लोग स्टडी करते हैं कॉर्डेट्स के फाइलम में। फिशेज आप लोग आगे स्टडी करोगे, फिशेज दे आर स्टडीड अंडर द फाइलम ऑफ कॉर्डेटा। यहाँ पर हम लोग स्टार फिश नेम दे दिए, लेकिन ये स्टार फिश नहीं है। देन सेकेंड थिंग, ये जो सेकेंड पिक्चर है, दिस इज अगेन अ सी अर्किन, ठीक है, इट्स अ सी अर्किन। इसके बारे में आप लोगों को क्वेश्चन, इसके रिलेशन में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। हम लोग एक यूनिट स्टडी करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो उस यूनिट के अंदर ये सी अर्किन का वर्ड बार बार यूज हुआ है, जस्ट ऐसे ही इमेजिनेशन के लिए। तो उसके पास में इतना एडिनिन है, इतना थायमिन है, तो बताओ कितना गायनोइन गोनिन एंड साइटोसिन रहेगा, एक इमेजिनरी कैलकुलेशन रहता है। तो सी अर्किन का वर्ड बार बार रिपीट होता है, दैट्स द पिक्चर, ध्यान में रखो ये कैसे दिखाई देता है। एंड फाइलम इकाइनोडर्मेटा को बिलोंग करने वाला ऑर्गेनिज्म है। तो स्केलेटन एंडोस्केलेटन है, इनके पास में कैल्शियम का बना होता है, कैलकेरियस, ओके, एंड ऑसिकल्स कैल्केरियस, कैल्शियम को बना हुआ इनका एंडोस्केलेटन रहेगा। ऑर्गेनिज्म मराइन होते हैं, मतलब ये हम लोग फ्रेश वाटर में इन्हें नोटिस नहीं कर सकते, ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ऑर्गन सिस्टम लेवल है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का, ट्रिप्लोब्लास्टी का कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक है, माउथ भी प्रेजेंट है, एनस भी प्रेजेंट है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर ध्यान रखना है। सपोज करते हम लोग, सपोज जो आपको स्टार फिश दिखाई दे रहा है, ये स्टार फिश का अपर पार्ट है, ठीक है। अभी जो आप लोग स्टार फिश देख रहे हो, दिस वन, ये स्टार फिश का अपर बॉडी पार्ट है, और अपर के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं डॉर्सल, ठीक है। तो यहाँ ये जो अपर बॉडी पार्ट है, यहाँ पर इसके पास में एक ओपनिंग प्रेजेंट रहेगा, कलर चेंज कर रहा हूं मैं, यहाँ इसके पास में एक ओपनिंग प्रेजेंट रहेगा, और ये जो अपर साइड में ओपनिंग रहेगा, दिस इज द एनस, ठीक है। अपर साइड में जो ओपनिंग प्रेजेंट होता है ये एनस रहेगा, एंड बॉडी के लोअर साइड में जो ओपनिंग प्रेजेंट रहेगा, बॉडी के लोअर साइड के अंदर जो ओपनिंग प्रेजेंट रहेगी, दैट ओपनिंग विल बी द माउथ। तो माउथ वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है, एंड अपर साइड के अंदर बॉडी का जो डॉर्सल साइड रहेगा, अपर साइड रहेगा, वहां पर इनका एनल पोर्शन प्रेजेंट होता है। ऐसे क्यों होता है? बिकॉज ये वाटर के अंदर स्विम करते रहते हैं, जब इनके नीचे से कोई फूड मटेरियल पास होता है तो तुरंत उसे बॉडी के अंदर इंगल्फ कर लेते हैं। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट होती है इनके पास में, डॉर्सल बॉडी पार्ट, डॉर्सल साइड में एनस, एंड वेंट्रल साइड के अंदर माउथ प्रेजेंट रहेगा। देन इकाइनोडर्मेटा का एक पॉइंट, एक ही इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, एंड दिस इज द सिमेट्री, ठीक है, इसका सिमेट्री। जिस समय पर ये लार्वल कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं, उस समय पर इनका सिमेट्री बायलेटरल होता है, एंड जब ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट हो जाता है इनटू द एडल्ट फॉर्म, इसका सिमेट्री भी चेंज हो जाएगा, एंड दे बिकम्स रेडियली सिमेट्रिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। लार्वल फॉर्म प्रेजेंट है मतलब डेवलपमेंट कैसे रहेगा इनका, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज प्रेजेंट। एंड देन सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में, दिस इज अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट वन, इट इज द वॉटर वस्कुलर सिस्टम। अब टेस्ट में, एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन पूछता है अबाउट द वॉटर वस्कुलर सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, और आप लोग आंसर कर देते हो पोरीफेरा। पोरीफेरा के पास में वॉटर कैनाल सिस्टम है, ठीक है, पोरीफेरा के पास में वॉटर कैनाल सिस्टम है। तो क्वेश्चन शांति से ध्यान से रीड करना है, वॉटर कैनाल सिस्टम बोला है या वॉटर वस्कुलर सिस्टम बोला है। अगर वॉटर वस्कुलर सिस्टम कहा है तो अब लोग बात करें अबाउट द फाइलम इकाइनोडर्मेटा। ये भी लोकोमोशन के अंदर फूड मटेरियल को कैप्चर करने में, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल में, और रेस्पिरेशन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दिस इज द वॉटर वस्कुलर सिस्टम, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फाइलम इकाइनोडर्मेटा। वॉटर वस्कुलर सिस्टम अगर पूछा तो फिर वो पोरीफेरा का रहेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम इनका पुअरली डेवलप्ड है। अब देखो उसके पास में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ऑर्गन भी है, ऑर्गन के द्वारा सिस्टम फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन फिर भी एक्सिडरी सिस्टम अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अदर सिस्टम्स आर देयर, देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, भले ही पुअरली डेवलप्ड हो लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, लेकिन एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है। दे एक्सक्रीट अमोनिया,
वे बाय देयर बॉडी सर्फेसेस, बॉडी के सर्फेस के थ्रू ये लोग अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करते हैं। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल टाइप का रहेगा, सेक्सेस सेपरेट है, सेपरेट सेक्सेस के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं, इट्स अ डायोशियस। ठीक है, डायोशियस ऑर्गेनिज्म रहेगा, सेक्सेस सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन इसका एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट आप लोगों ने पहले बता दिया, सो दीज आर द कॉमन नेम्स एंड द एग्जांपल्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फाइलम इकाइनोडर्माटा। स्क्रीनशॉट करना है ऊपर का, स्क्रीनशॉट चाहिए एक।